गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम भारती सैनी और टुडे वी स्टडीड चैप्टर 15 ऑफ क्लास 11th। द चैप्टर 15 नेम इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहली बात जो बनती है इसके अंदर, इसका इंट्रोडक्शन अगर अपन देखें तो प्लांट ग्रोथ है क्या, इसका डेवलपमेंट क्या है। देखो अपन देखते हैं कोई भी प्लांट, तुम लोग अभी उस किसी प्लांट को ग्रो करवाओ। जैसे मैंने एक साल पहले किसी प्लांट को लगाया, जब मैं एक साल बाद उस प्लांट को देखूंगी तो उसकी जो हाइट है वो क्या मिलेगी मुझे, काफी लंबी मिलेगी ना। वो सेम उसकी हाइट वहां पे नहीं होती है। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी प्लांट है उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट भी होता है। क्या तुमने ऐसा देखा है कि एक तुम्हारा कोई एक फ्रूट है वो 1 ईयर पहले कोई फ्रूट जो है वो लगा हुआ है। जैसे मेरे पास में एक प्लांट था, ये लेकिन जब मैंने उसको 1 ईयर बाद देखा तो उसकी जो हाइट है वो क्या हो गई, लंबी हो गई उसकी हाइट। लेकिन कभी ऐसा थोड़ी देखा है कि एक फ्रूट था इसके लगा हुआ यहां पे, ये फ्रूट 1 ईयर के पास भी बाद भी यहीं के यहीं लगा हुआ है। नहीं होता कभी भी ऐसा कि जो फ्रूट है वो तो कुछ टाइम बाद में वो ग्रो करेगा, वो रिप होगा, उसके बाद में वहां से क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन जो प्लांट है इनकी, इसकी हाइट नहीं बढ़ती है, ये ग्रोथ नहीं करता, करेगा पक जाएगा और वहां से रिमूव। लेकिन एक प्लांट है वो क्या करता है, ग्रोथ करेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि कुछ इनमें ऐसी यूनिक चीजें होती है प्लांट्स में जिसकी मदद से ये क्या कर पाते हैं, रेगुलरली ग्रोथ कर पाते हैं। देखो इसके अंदर अपन देखें, इंट्रोडक्शन के अंदर वी हैव सीन ट्रीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और ग्रोथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कि हम लोग देखते हैं जो ट्रीज होते हैं ना, उनका टाइम पीरियड के साथ में उनकी जो हाइट होती है वो कंटिन्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, होती है पेड़ों की। क्योंकि अपन ने एक साल पहले कोई प्लांट लगाया, आफ्टर 1 ईयर अपन देखेंगे तो वो प्लांट अपने आप इंक्रीज होता हुआ अपन को मिल जाए। However, the leaves, flower and fruit of the same tree not only have limited dimension but also appear as fall periodically and sometime repeatedly. देखो इसका एक मीनिंग ये भी है, हमने बोला कि जो प्लांट हैं वो ग्रो करेंगे कुछ टाइम बाद में, वो रेगुलरली ग्रोथ करते हैं उनको मिल जाएंगे, लेकिन वहीं पे लीव्स और जो फ्लावर और जो फ्रूट हैं उनका डायमेंशन जो होता है वो लिमिटेड होता है, कुछ टाइम तक वो बढ़ेंगे उसके बाद में वो अपने आप ही उनका जो हाइट और जो होती है वो अपने आप ही ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी उनकी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगोस डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ द टू प्रोसेस ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। देखो जितने भी प्लांट्स हैं जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, लेकिन हम देखेंगे वो जो ग्रोथ जो डेवलपमेंट है उनके अंदर वो किस पे डिपेंड करेगा, उनकी दो चीजों पे, एक तो ग्रोथ पे और एक डिफरेंशिएशन। ग्रोथ का मींस तुम समझते हो कोई भी चीज है उनकी हाइट वगैरह में, उनके जो मास जो होता है सेल डिवीजन हो जाना उनका, वो सारे ग्रोथ में आते हैं। डिफरेंशिएशन ग्रोथ होने के बाद में, जैसे मेरे पास में ये एक सेल है कुछ टाइम बाद में इसमें ग्रोथ हुआ और इसकी जो साइज है वो क्या हो गई, इंक्रीज। लेकिन कुछ टाइम बाद में ये जो सेल्स है दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, अलग 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 हो रही। इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है कि डिफरेंशिएशन की मदद से ये जो सेल्स हैं ये क्या हो रही हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो रही हैं। टू बिगेन विथ इट इज असेंशियल एंड सफिशियंट टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ ए मेच्योर प्लांट फ्रॉम ए जायगोट या फर्टिलाइज्ड एग फॉलो ए प्रीसियस एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन इवेंट। देखो एक जायगोट जो है वो डिवीजन करता है तो उसको हाईली क्या करना पड़ता है, सक्सेनेट मींस जायगोट। ऐसा तो है नहीं सीधा कोई जायगोट है अपने पास में और वो जायगोट डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया अडल्ट में, ऐसा कभी नहीं होता। उनमें स्टार्टिंग के अंदर डिवीजन होगा, जैसे कि अपन ह्यूमंस में देखते हैं एक जायगोट बनेगा, फिर उसकी मोरोला स्टेज आएगी, ब्लास्टुला आएगी, फिर उसके अंदर और भी सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, जर्म सेल का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में एक ह्यूमन क्या होता है डेवलपमेंट करना स्टार्ट, फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, आफ्टर 9 मंथ उसका बर्थ होगा और उसके बाद में वो धीरे धीरे करके क्या उसकी सेल में डिवीजन स्टार्ट होगा और उसके डिवीजन होने लगेगा और उसके बाद में वो कम्प्लीटली क्या होगा, अडल्ट होगा। वैसे ही किन में होगा, इन प्लांट्स में भी, ऐसे तो है नहीं प्लांट अपने वैसे ही उग जाएंगे, ह्यूमंस हो या प्लांट हो दोनों हैं तो मल्टीसेलुलर ही आते, तो दोनों किस में है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में।
तो अपन कह सकते हैं कि इन प्लांट के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें डिवीजन होगा, उनकी वजह से क्या होगा, लास्ट में जाके कंप्लीटली वो प्लांट क्या होगा, अडल्ट में कन्वर्ट होगा। इसके अंदर आगे इसमें दिया हुआ है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड दैट प्रोड्यूस मोट्स लीव्स ब्रांचेस फ्लावर्स फ्रूट एंड सीड्स। कि इस प्रोसेस के दौरान, कौन सी प्रोसेस के दौरान, जो ग्रोथ वाली, जो डेवलपमेंट वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, सीड का होता है, फ्लावर्स का होता है, ब्रांचेस का होता है, इन सब का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इवेंचुअली दे डू सेम फैक्टर गवर्न एंड कंट्रोल दीज डेवलपमेंट प्रोसेस। दीज फैक्टर आर बोथ इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक फैक्टर। सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रेंसिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक का मतलब होता है किसी भी प्लांट है उसके अंदर पाए जाने वाले जो उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस में आएंगे, इंट्रेंसिक में। और एक्सट्रेंसिक का मतलब आउटरली। देखो इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, टेम्परेचर। किसी भी प्लांट को टेम्परेचर कहाँ से मिलता है, बाहर से मिलता है। इसके अलावा उसको कोल्डनेस हो गई या बाहर से कोई और चीज, हर एक प्लांट है उसका एक पीरियड होता है फ्लावरिंग का, फ्रूट का, तो वो रिप होना और उस सब के लिए अंदर तो हार्मोन्स है ही, उसके अलावा बाहर से टेम्परेचर और ये सारी चीजें भी उनको क्या करती है, इफेक्ट डालती है। अगर हम लोग इन इंट्रेंसिक फैक्टर को रिमूव कर दे तो क्या एक प्लांट के फ्रूट उग पाएगा, नहीं लग पाएगा उसके कोई भी फ्रूट, क्योंकि ये दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दोनों की क्या होती है, सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी प्लांट से ग्रो करवाने की, फ्लावर फ्रूट सीड और ब्रांचेज। सीड जर्मिनेशन इज ऑल्सो ए डेवलपमेंट। सबसे पहला जो है इसका वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का मतलब होता है मेरे पास में एक सीड है, उस सीड के अंदर से जैसे यहां से कुछ टाइम बाद मेरिस्टमेटिक सेल्स होती है, उनमें डिवीजन स्टार्ट है। अब उन मेरिस्टमेटिक सेल्स में जब डिवीजन होगा तो देखना तुम, कुछ टाइम बाद में यहाँ से डाइकोटिलीडन्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे अपने पास में कोई भी एक सीड है, जैसे मस्टर्ड का सीड है, कैसा होता है वो, डाइकोटिलीडन होता है। इनके अंदर से यहाँ डाइकोट्स निकलेंगे और बीच में से क्या निकलेंगे, लीव्स, लीव्स वगैरह का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो कोई भी सीड है उसका फटना और उसके अंदर से जो डाइकोट और जो नई ब्रांचेज लीव्स निकलती हैं वो किसके दौरान आती हैं, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन है उसके लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, वो हार्मोन होता है जिब्रेलिन, जो हम लोग जब आगे अपने हार्मोन चलेंगे प्लांट हार्मोन उसमें देखेंगे। सीड जर्मिनेशन इज ऑल्सो ए डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट इंक्लूड एक्टिवेशन एंड ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो कंडीशंस। सीड जर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से क्या हो पाता है, कोई भी सीड जो है वो ग्रो कर पाता है, क्योंकि जब प्लांट सीड के बाहर ही नहीं निकलेगा तो वो ग्रो कहाँ से करेगा। स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होती है, जायगोट, एग, एग से फिर जायगोट बनना, जायगोट से फिर वो जो सीड है उसके ब्रस्ट होने की वजह से सारे के सारे जो बाहर डाइकोटिल्स का और उसके अलावा सूट और रूट का फॉर्मेशन होना, तो इसके लिए सीड जर्मिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे है इसमें, इट मे बी एपिगल यानी कोटिलिडन्स आर पुश्ड आउट द सोइल। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, एपिगल का, एपिगल का मतलब होता है जैसे ये सीड है और इस सीड के अंदर से जब ये कोटिलिडन्स जो हैं ये बाहर की तरफ निकलते हैं, इसको अपन क्या कहेंगे, एपिगल्स। एंड हाइपोगिल्स यानी कि कोटिलिडन डू नॉट कम आउट ऑफ द सोइल। दो डिफरेंस पूछ सकता है तुमसे कि एपिगल में और हाइपोगेल में, इन हाइपोजेल में इनमें डिफरेंस क्या है, तो एपिगेल जो है उसके अंदर ये होगा कि तुम बोल सकते हो कि जो डाइकोटिलीडेंस है वो बाहर निकलेंगे, लेकिन जो हाइपोजेल है उसके अंदर जो डाइकोटिलीडेंस है वो उसके बाहर नहीं निकलेंगे, सीड के अंदर ही रहेंगे वो। आगे इसमें दिया हुआ है, सीड विच जर्मिनेट ओनली ए प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कोल्ड फोटोब्लास्टिक। ऐसे प्लांट जो ओनली लाइट के प्रेजेंस में ही वो जर्मिनेट होते हैं उनको कौन से प्लांट कहेंगे, फोटोब्लास्टिक। देखो अपने यहाँ पे मोस्ट ऑफ प्लांट अपन देखेंगे सजावटी प्लांट होते हैं, कुछ अपने घरों के अंदर भी अपन रखते हैं, तो क्या होता है, अब घर के अंदर है तो उसको लाइट तो मिलने से नहीं, तो ऐसे प्लांट कौन से प्लांट नहीं होते हैं, फोटोब्लास्टिक। जो एब्सेंस ऑफ लाइट वो ग्रोथ कर रहे हैं तो वो
फोटोब्लास्टिक नहीं होंगे। लेकिन अपना जैसे मैंगो का ट्री हो गया, नीम हो गया, ये सारे किसके प्रेजेंस में अपनी जर्मिनेशन करते हैं? लाइट के प्रेजेंस में। तो अपन कह सकते हैं कि वो सारे कैसे हैं? फोटोब्लास्टिक। द कैपेसिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड सीड वैलिबिलिटी। देखो कोई भी सीड, अब हर सीड जो है उसके पास तो ये कैपेसिटी नहीं होती। जैसे अपन क्या करते हैं, जो डाइट करते हैं नॉर्मली, जो अपने चने या फिर कोई भी मूंग वगैरह है उसको भिगो के रखते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम बाद अपन देखेंगे कि कुछ में तो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं लेकिन कुछ तभी भी वो वैसे के वैसे रहते हैं जैसे अपन ने डाला था टाइट। तो मींस क्यों है ऐसे वो, क्योंकि उनके अंदर जर्मिनेशन की क्या नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। अगर जर्मिनेशन की उनके पास कैपेसिटी नहीं होगी तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ चने अपन देखेंगे दांत के नीचे रखते ही वो टूट जाते हैं, तो मींस उनके पास किसकी कैपेसिटी है, सीड जर्मिनेशन की। क्योंकि उन सीड्स ने क्या किया, वाटर जो अपन ने उनमें भिगोया था उस वाटर को उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया और अपना जर्मिनेशन क्या कर दिया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया ग्रोथ। अब बात करें सबसे पहले ग्रोथ, डेवलपमेंट कितने भागों में बांटा था अपन ने, टू में बांटा था, एक तो था ग्रोथ और दूसरा क्या था, डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ग्रोथ मींस क्या होता है, ग्रोथ का, ग्रोथ इज रिटार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिपियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग बींग। इट कैन बी डिफाइन एज इरिवर्सेबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑर्गन एंड इट्स पार्ट ऑफ इवन एन। देखो इसको इधर से देखते हैं फिर से, इसका मीन्स है मेरे पास में एक प्लांट था, जब इसको 2 मंथ के लिए रख दिया तो क्या हुआ, इस प्लांट के अंदर इसके अंदर डिवीजन होगा, ग्रोथ होगा, और तुम देखोगे कि इस प्लांट जो है इसकी हाइट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या तुम लोग इसको इस जब लंबा हुआ है क्या इसको वापस से छोटा कर सकते हो? ये इरिवर्सेबल होता है, जो ग्रोथ है वो क्या होगा, इरिवर्सेबल। यानी एक बार किसी प्लांट में ग्रोथ हो गई तो वापस वो प्लांट छोटा नहीं हो सकता है। सेल डिवीजन हो सकता है, डिवीजन वापस से रिवर्स में नहीं जाएगा। तो अपन ये भी कह सकते हैं प्लांट की ग्रोथ जो है, एक बार किसी प्लांट में ग्रोथ हो गई तो उसके बाद में वो वापस से छोटा नहीं हो सकता है, यानी कि ये कैसी होती है, इरिवर्सेबल। ग्रोथ होने के बाद में वापस वो नहीं जाएगा वापस। आगे इसमें दिया गया है, इंडिविजुअल सेल जनरली ग्रोथ इज अकम्पनाइड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। देखो दो मेथड होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक, एक होती है कैटाबॉलिक। जो हमारा एक चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, वो सारी चीजें पढ़ रहे थे, उसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा था, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा था उसमें मॉलिक्यूल्स का। अपने पास में क्या था, ग्लूकोज था, और वो किसमें कन्वर्ट हुआ था, पाइरूवेट में। और ये जो मेथड है इसको अपन ने किस कौन सा नाम दिया था, ग्लाइकोलाइसिस। तो देखो ब्रेकडाउन होने से कौन क्या रिलीज होती है, एटीपी। लेकिन अब तो हमने बॉन्ड को ब्रेक किया है, दो बॉन्ड है ना मॉलिक्यूल का, उसको ब्रेक किया है तब एटीपी अपने पास में बाहर रिलीज हुआ है। तो वो तो आएगा कैटाबोलिक के अंदर, और जब हम कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाते हैं, ग्लूकोज की एक ब्रांच है पूरी, वो एक ग्लूकोज जुड़ेगा, फिर उसके बाद में दूसरा जुड़ जाएगा उससे, फिर तीसरा जुड़ जाएगा उससे, फिर चौथा जुड़ेगा, और ऐसे जुड़ के और वो सारे क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन। तो इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एटीपी छोड़ेगा किसको, जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो बाहर से जो ये एटीपी ले रहा है, ये वाला मेथड किसके अंतर्गत आएगा, एनाबॉलिक के अंदर आएगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एटीपी मिलेगा प्लांट को, ब्रेक होगा तो वो एटीपी मिलेगा, और प्लांट क्या करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा। अब इसके साथ में प्लांट को खुद फूड भी तो स्टोर करना पड़ेगा,
प्लांट जो है वो अपना फूड किसके फॉर्म में करता है, स्टार्च के रूप में करेगा, स्टार्च के रूप में वो अपने फूड को स्टोर करता है। तो स्टोरेशन करने के लिए उसको भी तो बॉन्ड फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें जो है एनाबॉलिक प्रोसेस और जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये दोनों उसके लिए क्या होती है, जरूरी होती है। दैट ओ अकर एट द एक्सपेंसेस ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ ए लीफ इज ग्रोथ। देखो इसका मीन्स ये है जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो किसका रिलीज हो, क्या रिलीज हो रही है बाहर, एटीपी रिलीज हो रही है। तो इसके अंदर भी तो यही बोल रहा है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान किसका रिलीज को क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटरमाइंड, जैसे कि कंटिन्यूड थ्रू लाइफ। प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, इनडिटरमाइंड होती है। क्या प्लांट, तुम आज प्लांट लगाते हो क्या वो ग्रो करना बंद कर देगा, रेगुलरली ग्रोथ करता रहेगा वो? क्या एक इंसान है कि अपनी पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ करता है? नहीं करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो रेगुलरली ग्रोथ कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो रेगुलरली ग्रोथ कर सकते हैं। ग्रोथ इज डिफ्यूज्ड, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, डिफ्यूज। पैलिस ने बात बोली कि जो ग्रोथ होती है ना वो जनरली क्या होती है, इनडिटरमाइंड। दूसरी इसने बात बोली ग्रोथ इज डिफ्यूज। डिफ्यूज का मींस क्या बोला, एवरी सेल कैन डिवाइड एंड इन लार्ज बट इन हायर प्लांट। देखो इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, अपने पास में मैरीगोल्ड का प्लांट है जिसको अपन बोलते हैं गेंदे का प्लांट, तो क्या वो पूरे साल भर वैसा का वैसा ग्रोथ करता रहेगा, लंबा बढ़ता रहेगा? नहीं बढ़ता ना, कुछ टाइम के लिए वो ग्रो होता है। इस तरीके के प्लांट को अपन क्या कह सकते हैं, सीजनल प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जो कुछ टाइम के लिए हैं वो ग्रो करेंगे, फ्लावर देंगे, उसके बाद में वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अपने पास में जो हायर प्लांट है, क्या नीम का पेड़ है कभी ग्रोथ करना बंद करता है? अपने पास में कंप्लीट प्लांट है, 6-7 फुट का प्लांट है मानो, फिर वो बाद में उसकी मीटर्स में हाइट जाती है, कुछ टाइम बाद अपने घर वाले क्या करते हैं, उस प्लांट को कट कर देते हैं। लेकिन तुम देखोगे कुछ टाइम बाद वापस से वो प्लांट भी उतना ही हो रहा है। तो मतलब ये कह सकते हैं हायर प्लांट जो है उनके अंदर ग्रोथ होती रहती है, लेकिन जो सीजनल प्लांट है, लो कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर ग्रोथ कुछ टाइम बाद में क्या हो जाती है, रुक जाती है उनके अंदर। स्पेशली बॉडी रीजन कॉल्ड मेरिस्टेम आर प्रेजेंट विच रिजल्ट इन बॉडी ग्रोथ। तो उनमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो जो ग्रोथ होती है ना उनके अंदर वो रेगुलरली होती रहती है। उनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की क्या पाई जाती है, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम टिश्यू पाए जाते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं इनकी वजह से ही वो प्लांट अपनी पूरी कंप्लीट लाइफ में क्या करता रहता है, वो ग्रोथ करता रहता है। ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर अपन ये भी मान लें कि प्लांट में और एक एनिमल्स में एक डिफरेंस भी है, ये एक तरीके का। एनिमल्स जो हैं वो क्या करेंगे, ग्रोथ उनकी कुछ टाइम बाद रुक जाती है, लेकिन प्लांट जो है वो रेगुलरली क्या करते रहेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप की टिश्यू पाए जाते हैं जो उनको क्या करते हैं, मदद करते हैं रेगुलरली ग्रोथ करने के लिए। और वो स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। आगे है इसमें ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर एक पॉइंट और बचा है, द फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बिगिन एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। देखो जैसे कोई भी प्लांट है, एक प्लांट में एक सेल है, कुछ टाइम बाद वो दो सेल बनाएगी, कुछ टाइम बाद उसमें तीन सेल होगी, एक टाइम में वो बहुत सारी सेल्स अपने आप पास में बना देगी। तो अपन कह सकते हैं ना कि इसके अंदर कुछ नई सेल्स जो हैं उनका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है उनके अंदर। तो एडिशन ऑफ जो सेल है वो क्या कहलाती है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ।
ग्रोथ इन प्लांट में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, जो प्लांट में ग्रोथ होगी ना उसको हम बड़े बड़े शब्दों में दो भागों में इसको बांटा गया, एक तो होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। जो प्राइमरी ग्रोथ है उसको बोला है रिजल्ट इन इलोंगेशन ऑफ प्लांट पैरेलल टू इट्स एक्सिस कंटिन्यू बाय रूट सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सबसे पहले इसके अंदर ये जो वर्ड है ना इनके बारे में अपन को जानना जरूरी है। इलोंगेशन क्या होता है, मेरे पास में एक सेल है, उस सेल की लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है एक तरीके से। तो ये सेल इलोंगेट हुई ना क्योंकि इसकी साइज क्या हो गई, पहले से ज्यादा हो गई। अब साथ में ही पैरेलली भी और उसके एक्सिस पे भी, एक्सिस मतलब एक प्लांट की जो ये वाली जो लीफ है ना ये कौन सा होता है उसका एक्सिस हो जाएगा उसके अंदर। इसके साथ में इनके पैरेलली जो एक्सिस है उनके अंदर क्या होता है, रेगुलर ग्रोथ होता है। जैसे कि अपने पास में एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, एक पार्ट जो होता है ना प्लांट का उसको सूट एपिकल मेरिस्टेम में लाएंगे और दूसरे वाला रूट में। जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट का जो ये नीचे का हिस्सा होगा ना ये वाला हिस्सा, इसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आएंगी उनको कहेंगे सूट मेरिस्टेम, और जो ये ऊपर वाला पार्ट होगा जिसमें क्या पाए जाते हैं लीव्स हैं, जिसमें फ्लावर्स हैं, और साथ के अंदर जिसके अंदर अपने को पत्तियां देखने को मिलेंगी, स्टेम देखने को मिलेगी, वो सारे किस में आएंगे, सॉरी ये वाला रूट का था इसका रूट मेरिस्टेम, और ये वाला आएगा इसमें सूट मेरिस्टेम। सूट मतलब, सूट का मीन्स होता है लीफ फ्रूट ब्रांच स्टेम, यानी जिसके अंदर ये सारी चीजें बनेंगी वो कौन सा होगा सूट। और एपिकल मेरिस्टेम किसको बोला, जो फॉर्मेशन करता है किसका सूट का, तो वो सारे किसमें हो जाएंगे सूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर। और जो रूट के टिप एरिया पे प्रेजेंट होंगी और रूट के फॉर्मेशन के लिए मदद करेंगी वो कौन सी होंगी, रूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी रूट में है और रेगुलरली रूट की जो ग्रोथ है उसमें क्या कर रही है ये मदद कर रही है। अगला है इसके अंदर, तो अब इसके अलावा ये कह सकते हैं कि सूट और रूट दोनों के अंदर मदद करता है उसकी ग्रोथ के अंदर। एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, न्यू वर्ड है ना इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसका मींस होता है कि ऐसी सेल्स जो जब एक प्लांट छोटा होता है ना बहुत छोटा, तो उसकी ग्रोथ में मदद करता है, क्योंकि अपन कौन सी ग्रोथ देख रहे हैं प्राइमरी ग्रोथ किसी भी प्लांट की क्या होगी कि जब वो एक छोटे से साइज का पेड़ है वो लंबा होना स्टार्ट करे, तो स्टार्टिंग में जब डाइकोटिनस के थ्रू जब एक प्लांट बनता है तो उसमें जो मेरिस्टेम होंगी वो कौन सी होंगी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और इन्हीं इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है इनकी मदद से एक प्लांट क्या करेगा ग्रोथ करेगा स्टार्टिंग के अंदर। कौन सी ग्रोथ होगी, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेम। अगला आता है सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ, यानी प्लांट की कौन सी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, रिजल्ट इन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूटेड बाय लैटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ होगी, देखो स्टार्टिंग में एक प्लांट है उसके पास में कुछ जो सीड है ना उसका सेपरेट नहीं होता, जब तुम्हारे पास में कोई एक प्लांट से एक सीड निकल रहा है तुम देखोगे कि कुछ टाइम बाद अगर तुम उसको खोद के भी निकालोगे तो उसकी जो रूट्स है ना वो किससे जुड़ी हुई होती है, उसके सीड से जुड़ी हुई होती है। तो स्टार्टिंग में एक प्लांट किससे अपना न्यूट्रिशन ले सकता है, उस प्लांट के अंदर जो स्टार्च, उस सीड के अंदर जो स्टार्च है ना उससे, लेकिन कुछ टाइम बाद में जैसे ही ये रिमूव हो जाएगा ना सीड इससे, तो फिर किसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा रूट का, क्योंकि न्यूट्रिशन तो रेगुलर चाहिए प्लांट को, माना स्टार्टिंग में उसको सीड दे रहा था लेकिन कुछ टाइम बाद में उसको किससे मिलने लगेगा रूट से मिलने लगेगा, तो अपन कह सकते हैं ये वाली बात। इंक्रीज इन ग्रिथ, ग्रिथ मतलब गहराई के अंदर वो रेगुलरली क्या होता जाता है इंक्रीज होता जाता है। कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय लैटरल मेरिस्टेम सच एज वैस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, देखो जो कैम्बियम वाली वैस्कुलर
कैम्बियम है। वैस्कुलर में अपने वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, कौन कौन से होते हैं वैस्कुलर टिश्यू? जाइलम एंड फ्लोएम। किस में आते हैं? वैस्कुलर टिश्यू में। वैस्कुलर टिश्यू के बाद में जैसे ये पार्ट है ये वाला, इन प्लांट के इन हिस्सों पे फॉर्मेशन होता है किनका? इस कैम्बियम का। रेगुलर कैम्बियम डिवीजन करके प्लांट का जो स्टेम होता है उसकी साइज को भी इंक्रीज करता जाएगा, और साथ में ही जो सेकेंडरी होती है ना ग्रोथ प्लांट की, उसमें भी मदद करेगा। और इनके अंदर आएगा एक तो कॉर्क कैम्बियम, एक होता है वैस्कुलर कैम्बियम। तुमने सुना होगा ना जो माइक्रोस्कोपी है उसको फर्स्ट टाइम जब किसी भी सेल को देखा गया था, डेथ वाली डेड सेल को, तो किस में देखा गया था? कॉर्क ऑफ प्लांट। तो उस टाइम पे जो कॉर्क कैम्बियम है इसके द्वारा जो डेड कॉर्क होती है उसको देखा गया था। अपन ऐसे ये भी ले सकते हैं। और वैस्कुलर अपना इंपॉर्टेंट है ही, किसी भी प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब वाटर तो जब रूट होगी तभी मिलेगा उसको, तो इसी दौरान किसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है? रूट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ में ही सूट बन रूट के अंदर ऊपर वाले हिस्से में किसका फॉर्मेशन होता है? शूट। और वो किस में आ जाती है? प्राइमरी ग्रोथ में। और रूट का फॉर्मेशन होता है वो आता है सेकेंडरी ग्रोथ में। ग्रोथ के अंदर कुछ पॉइंट और हैं। ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव और मेजरेबल फिनोमिना। देखो ग्रोथ को क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि आंखें हैं ना अपने पास में, आराम से कोई भी प्लांट है उसकी ग्रोथ बढ़ते हुए देख सकते हैं। जब एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो बोल देते हैं कि तुम अभी अडल्ट हो गए हो, तो वो तो एक प्लांट है। एक छोटा सा अपने एक गमले में प्लांट लगाया है, कुछ टाइम बाद उसको गमले से निकाल के बाहर इनपुट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा रैपिडली हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव और मेजरेबल फिनोमिना है, क्योंकि एक प्लांट का जो ड्राई मास है उससे अपन पता कर सकते हैं कि उसमें रेगुलर ग्रोथ हो रही नहीं हो रही है। उसकी हाइट जो है वो भी मेजर करके पता कर सकते हैं कि हाइट अभी इतनी है, कुछ टाइम बाद में इतनी हो रही है, वहां से भी अपन देख सकते हैं। द पैरामीटर यूज फॉर मेजरिंग ग्रोथ आर इंक्रीज इन फ्रेश वेट। एक तो हम प्लांट का जो वेट है ना उसको मेजर करके बता देंगे कि प्लांट में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा ड्राई वेट को देख के, उसका जो ड्राई वेट होता है ना प्लांट का, उससे भी पता कर लेंगे। साथ में लेंथ ऑफ एरिया, जैसे मेरे पास में दो प्लांट है, एक ने बस इतनी सी जगह घेरी है और दूसरा प्लांट इतनी जगह घेर के खड़ा है, तो अपन बोलेंगे ना इसमें ज्यादा ग्रोथ है और इसमें कम है। ये कम जगह है तो मतलब इसकी ग्रोथ रैपिडली हो रही है, और इसकी ग्रोथ क्या हो रही है? बहुत मिनिमम ग्रोथ है इसकी। वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ सेल, देखो जिसमें जितनी ज्यादा सेल होंगी वो प्लांट ग्रोथ भी उतनी ज्यादा करेगा। अपन यहाँ वॉल्यूम से क्या मान रहे हैं? नंबर ऑफ सेल से। देखो मेरे पास में एक सेल है, रेगुलर ये डिवीजन कर रही है और एक से दो बना रही है, दो से कितनी सेल बन रही है? चार सेल बन रही है, चार से आठ सेल बन रही है। तो ये इनकी वॉल्यूम और इनका जो सेल्स का जो नंबर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, ए सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन सेल इन हावर। कि एक जो मेज का प्लांट होता है वो जो एक बार में उनके अंदर जो रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होती है उनमें कितनी नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है? 17,500 यानी कि 17,500। इसके ये एक बहुत हाई नंबर हो गया। अगर सोचे एक ह्यूमन में ऐसे ग्रोथ होने लग जाए तो क्या होगा? फिर तो अपने यहाँ पे 8-8, 9-9 फुट के आदमी घूमेंगे फिर। तो ये एक अपन किस में देख रहे हैं? मेज की रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट का नाम आ गया मतलब नीचे वाले हिस्से के अंदर यहाँ पे। इसके बाद में, और वो भी कितने हावर में? पर हावर, बहुत हाई नंबर है ये। पर हावर के अंदर जो सेल का डिवीजन है वो इतना रैपिड है कि कितना इतनी सेल्स अपन को एक घंटे में मिल रही है, तो अपन बोल सकते हैं कि हाईली नंबर हो रहे हैं इनके सेल डिवीजन के। वेयर अ सेल इन ए वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,15,000। सोचो इनका तो इससे भी हाई है, इतनी इतनी ज्यादा सेल में इनमें डिवीजन हो रही है, एक में तो इतनी और दूसरे में अपन लाखों पे देख रहे हैं, तो इनकी ग्रोथ क्या होती है? बहुत ज्यादा रैपिडली होती है। वेल द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज मेजर इन
टर्म ऑफ इट्स। तो इससे अपन पता कर सकते हैं कि जब एक पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब क्या होता है, देखो फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। इसको अपन क्या कहेंगे, गाइनोशियम होता है ये कंप्लीट, ये वाला हिस्सा गाइनोशियम। और ये एंड्रोशियम। गाइनोशियम जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, और जो एंड्रोशियम होता है वो प्लांट का होता है मेल पार्ट। जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये सबसे नीचे क्या होता है ओवरी। इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। देखो इनके अंदर सेल्स पाई जाती है, 3 सेल्स तो ऊपर की तरफ, 2 सेल बीच में होती हैं, और 3 सेल कहाँ होती है, नीचे की तरफ। ये जो सेल है ये सिनर्जिड सेल होती है, कौन सी सेल होती है ये सिनर्जिड, और ये बीच वाली है इनको बोलते हैं अपन सेंटर सेल, और जो सबसे नीचे की तरफ पाई जाएंगी उसको बोलेंगे, जिसमें बीच वाली तो होगी एग सेल, और जो ये साइड वाली होती है ये इसकी हेल्पर सेल होती है, सहायक कोशिकाएं होती है इसकी। तो देखो जैसे ही ये जो है ये होते हैं एंथर, एंथर जैसे ही परिपक्व होकर ये ब्रस्ट होंगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन करेंगे पोलिनेशन, बाय एयर भी हो सकता है, बाय इंसेक्ट भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है इनके पास में। तो यहां से ये पोलन ग्रेन किसके पास में जाएंगे, इसे स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है वो चिपचिपा होता है और लिक्विड को क्या करता है, ये सिक्रेट करता है। जैसे ही ये लिक्विड को सिक्रेट करेगा, कोई भी चीज है चिपचिपी है तो कोई भी उससे चिपकेगा, तो ये पोलन ग्रेन कहाँ आके चिपक जाएगा, इसके स्टिग्मा वाले पार्ट के अंदर। जैसे ही स्टिग्मा पे चिपकेगा कुछ बहुत फास्टली, अब उसने क्या बोला कि जैसे उसकी सेल 3 लाख कर रही थी, एक की 17,000 कर रही, तो उससे भी सोचो ये फास्ट करता है, तो जल्दी से किसका फॉर्मेशन करेगा, पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब को कौन बनाएगा, ये पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जैसे ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, इसके अंदर होते हैं 2 गैमेट, जिसको बोलेंगे 2 मेल गैमेट। एक मेल गैमेट तो फ्यूज करेगा इस एग सेल के साथ में, जो किसका फॉर्मेशन करता है, जायगोट का, और जो दूसरा होता है वो किसके साथ में करेगा, सेंटर सेल का, जिसको अपन ने एक वर्ड से रिप्रेजेंट किया था एंडोस्पर्म, जो क्या करता है, ये एंडोस्पर्म इस जायगोट जो बन रहा है ना अपने पास में, सीड जो बन रहा है उसको क्या देने का काम करेगा, ये नरिशमेंट देगा उसको, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा उसकी ग्रोथ के दौरान। तो जैसे ही ये कम इससे ये बन गया और उसके बाद में ये नरिशमेंट देगा, लास्ट में अपन को क्या मिल जाएगा, एक कंप्लीट सीड। और ये जो ओवरी का जो बाहर वाला पार्ट है ये क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन। जैसे अपने पास में एक फ्रूट है, बाहर से अपन उसको खाते हैं और अंदर सीड उनको फेंक रहे हैं, तो जो सीड वाला है वो तो इस वाले हिस्से से बनता है, और ओवरी का जो बाहर की लेयर होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो ये भी अपन बोल सकते हैं कि पोलन ट्यूब जो है मेजर्ड इन टर्म ऑफ इट, की पोलन ट्यूब का जो भी मेजरिंग है वो भी इसी टर्म के अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं। वेल द ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ इट्स लेंथ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट्स द ग्रोथ ए डोर्सी वेंट्रल लीफ। देखो एक पोलन ट्यूब है जो है वो एक तो वेंट्रली, डोर्सी वेंट्रल मतलब नीचे की, देखो ऐसे भी हो रही है, ऐसे भी ग्रोथ कर रही है अपनी, डोर्सी वेंट्रल कर रही है ना वो ग्रोथ। तो पोलन ट्यूब को मेजर करने के लिए अपन को इसकी लेंथ और इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट द ग्रोथ ऑफ डोर्सो वेंट्रल लीफ,
कि इसकी डोर्सो वेंट्रल जो लीफ होती है उसके लिए भी ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।